अब मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगी तो मुझे उसके बारे में चीजें जो है वो यहाँ पे आएंगी। इन स्टॉक का मतलब है कि मेरे पास बैग पे क्वांटिटी इतनी मौजूद है कि मैं इन स्टॉक कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया था कि आपके पास जितनी क्वांटिटी होगी उससे ज्यादा आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसकी मैक्सिमम को सेट कर दिया, जितनी इसकी टोटल क्वांटिटी मेरे पास बैग पे मौजूद है। इसी तरीके से आप अगर आप बैक कर लो, इस व्यू डिटेल्स में जाती हूँ मैं, वो वाली दो ले सकती हूँ, ये वाली भी मेरे पास दो है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने ये कहाँ पे इसको क्वांटिटी इसकी यहाँ पे सेट करी हुई है प्रोडक्ट के अंदर, सबकी दो दो क्वांटिटी। अगर मैं किसी की क्वांटिटी एडिट कर देती हूँ, जैसे मैंने ये वुमेन वाले में कर रही हूँ और मैंने इसकी यहाँ पे एडिट करके कर दी है 4, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया है गो। बेसिकली कौन सी है ये, हमारे पास वुमेन कैटेगरी की शर्ट्स है, ठीक है। तो मैं आ रही हूँ यहाँ पे बैक पे और वुमेन पे आके मैं शर्ट्स पे आई, और इसकी व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पे आके ये रुक गया, ठीक है। अगर मैंने ये कहा था आपसे कि अगर मैंने इसकी क्वांटिटी यहाँ से क्या कर देनी है, 0, क्या कर देनी है, 0, वैसे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रही हूँ, वरना ये एडमिन पैनल से सेट होगा, सही है ना, अपडेट वगैरह का काम। तो मेरे पास रिफ्रेश करने के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाए, सही है, और एड टू कार्ड नहीं होगा, सिर्फ विशलिस्ट में जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमने इसका कंट्रोल किया था लास्ट क्लास के अंदर। अब मेरे पास काम यहाँ पे ये है कि मुझे इसके यहाँ पर, मैंने खैर इधर ये जो एडमिन पैनल है ना बेटा, इसका जो प्रोडक्ट का आपके पास व्यू आ रहा होता है इधर, ठीक है, यहाँ मैंने कहा था आप ये डिटेल्स कंप्लीट कर लेना, जब मैं इसके एडिट पे जाऊंगी तो एडिट पे जाके वो चीजें एडिट हो रही होंगी जो मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद मैंने आपसे ये कहा है कि भाई इधर मैं प्रोडक्ट के अंदर फिलहाल तो मैं अभी इसको 0 रहने दो, कोई मसला नहीं है। ये तो हमारे पास दो दो है ना, इसका हम देख लेते हैं कि मेरे पास क्या करना है। मुझे यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मुझे इसको एड टू कार्ट के अंदर एड कराना है। क्या कराना है, एड टू कार्ट में एड कराना है। एड टू कार्ट का मेरे पास एक पेज होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास अकाउंट का लॉगिन का बना हुआ है, अभी भी मेरे पास लॉगिन का भी कोई सा नहीं बना हुआ है, सही है। तो लॉगिन भी मुझे बनाना है, ठीक है ना, सर्च पे भी मुझे बनाना है, ठीक है ना। सर्च पे यहाँ पे कुछ नहीं है, सर्च पे मेरे ख्याल से पेज रिफ्रेश हो रहा है तो सारी चीजें खुद ही चली गई, ठीक है ना। तो इस सर्च को हटा दूं मैं, अगर रखना है तो आप सर्च रख सकते हो, यहाँ पे जो भी लिखूंगी सर्च पे क्लिक करूंगी तो वो उसके लिहाज से प्रोडक्ट जो है वो लाके डिस्प्ले करा सकता है, ठीक है। अगर रखना है तो ठीक है, नहीं रखना मत रखो, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला बना हुआ है, इसी तरह मैंने यहाँ पर उसका कार्ट का बनाना है। अच्छा, कार्ड का जो बनाएंगे हम वो हेडर में ही बनेगा, हेडर में आ जाओ। ये हो गया मेरे पास कॉन्टैक्ट, ये बना हुआ मेरे पास फॉर्म, सही है ना। एक सर्च बना हुआ और ये मेरे पास बना हुआ है सबमिट का बटन बना हुआ है, जिसके ऊपर आइकन लगा हुआ है, एंकर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने एक और पेस्ट करा, नाउ लेट्स सी ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। फिलहाल मैं सर्च हटा रही हूँ, यूजर एक होता है फा कार्ड, क्या है ये फा शॉपिंग कार्ड आ गए यहाँ पे। मैं चाहती हूँ इसकी क्लिकिंग के ऊपर मेरे पास पेज खुले, सही है। कौन सा पेज खुले है, एड टू कार्ड का। तो मेरे पास देखो यहाँ पे टाइप तो ऐसी आ रही है सबमिट, मुझे ये बटन तो है नहीं, तो मुझे यहाँ टाइप सबमिट की जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, एच रेफरेंस चाहिए यहाँ पे, सही है।
कि मुझे इसे मूव करा के लेके कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे जो लेके जाना है वो एड टू कार्ट डॉट PHP पे लेके जाना, ठीक है। जैसे यहाँ सबके लिंक लगे हुए वैसे आपके पास इधर भी लगा हुआ होगा। ये वाला कॉपी करा मैंने और कॉपी कर कर मैंने इधर जो है वो एक फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल, और इसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है एड टू कार्ट डॉट PHP। अब आप यहाँ पे मूव करो, रिफ्रेश करा मैंने, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी एड टू कार्ट डॉट PHP के पेज पे मैं आ गई। हेडर फुटर हर जगह मेरे पास सेम है। हेडर फुटर सेम रखने के लिए आप किसी भी पेज को खोल लो, प्रोडक्ट खोलो, प्रोडक्ट डिटेल खोलो, कुछ भी खोल लो। मेरे पास ये PHP का टैग मैंने कॉपी करा, यहाँ मैंने पेस्ट करा, इसको बंद करा, ये हो गया हेडर। सेम कॉपी करा, नीचे पेस्ट करा, और ये मेरे पास क्या हो गया, फुटर, सही है। रिफ्रेश आ रहा हेडर फुटर। बीच की जो डिव है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये कहाँ से लेके आऊंगी, मैं इधर ही से लेके आ रही हूँ। मैं ये जो एक रॉ तक का काम था ना, ये मैंने रखा था यहाँ बीच में, ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने मिनिमम हाइट है। ये वाली डिव बंद करी और एक ये वाली डिव यहाँ पे बंद करी, दो खुली हुई है ना डिव, तो दोनों डिव बंद कर दी, एक कंटेनर की और एक रॉ की। नाउ लेट्स सी, कार्ट के अंदर मेरा जो काम है वो डिस्प्ले होता है। एड टू कार्ट का काम क्या होता है, मैंने अपने पेज पे इसी तरह का काम करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा एक रॉ तो है मेरे पास, रॉ के अंदर मैंने एक हेडिंग लगानी है, सही है। हेडिंग है मेरी, हेडिंग 5 है मेरे पास, जिसपे मैं लिखूंगी शॉपिंग कार्ट जो भी है, जिस तरह उसमें लिखा हुआ था शॉपिंग कार्ट। रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो आपको फॉन्ट साइज, आपको जो भी आपको रखना है, एक मिनट, उस हिसाब से रखो, ठीक है। शॉपिंग कार्ट कैपिटल फॉर्म में रखना है, कैपिटल में रख लो, कोई मसला नहीं है। शॉपिंग CART कार्ड आ रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद उसमें हमारे पास तीन चीजें, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और टोटल, तीन कॉलम बने हुए थे टेबल के, किस चीज के, टेबल के। इसी के नीचे देखो मुझे बनाना है टेबल, बनाना है ये टेबल के जो रॉस बनेंगी ना, वो जितने आइटम्स होंगे वो ऑटोमेटिकली लूप से बनेंगी, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास जो टेबल है मुझे यहाँ पे बनाना है B4-table default, ये मैंने बना लिया। जो ये वाली रॉ है वो मेरे पास बाद में बनेगी और ये चीज लूप से बनेगी, जितने आइटम्स कार्ट के अंदर होंगे उतनी ही दफा ये बनेगी और उतनी चीजें डिस्प्ले करेगा, सही है। अभी हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, क्या है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और टोटल, सही है। हेडिंग देखो यहाँ पे आ रही है मेरे पास इस तरह, सही है। इसके नीचे इसकी चीजें आएंगी, इसके नीचे इसकी नीचे, ये जब खत्म हो जाएगा उसके नीचे, यानी टेबल जहां मेरे पास खत्म हो जाएगा यहाँ पे, मुझे इस रॉ को ही चलो खत्म कर लेते हैं हम, ठीक है, दूसरी रॉ ले लेते हैं। जी यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, रॉ मेरी ये वाली जो है, ये वाली रॉ, यानी ये वाली जो मेरी पूरी रॉ है मेरी, ये बंद हो गई मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें रखी है, हेडिंग रखी है, ठीक है, और मैंने ये टेबल रखा है। इसके बाद मैं अगर ये कह रही हूँ कि मुझे एक और रॉ लेना है, एक और रॉ का मतलब है कि मेरे पास कोड नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट लाइन में, इसमें मुझे वो चीजें रखनी है जैसे कि मेरे पास था सब टोटल, ठीक है, और क्या था, चेकआउट, ठीक है, और ये सारी डिटेल्स रखनी है। इन दोनों रॉ के बीच में मैं अगर कोई लाइन देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ क्या लगा सकती हूँ, HR का टैग, सही है।
एचआर का टैग लगा सकती हूँ और ये एक लाइन ड्रॉ कर देगा इस तरह, आ रही है नजर? ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा भाई इसके अंदर मुझे जो चीजें चाहिए ठीक है वो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, वो एक सबमिट टाइप की चीज है कि बटन मेरे पास सबमिट हो रहा है तो मेरे पास डिटेल लेके ही सबमिट होगा। ठीक है, फॉर्म रखो, एंकर रखो, कुछ भी रखो, तुम्हारी मर्जी है। सही है, खैर डिस्प्ले में मेरे पास क्या चीजें आ रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एच मैंने रखा एच फाइव और मैंने यहाँ पे कह दिया कि मेरे पास सब टोटल क्या है, सब टोटल क्या है। ठीक है, इसके नीचे मैंने पैराग्राफ ले लिया और इधर मैंने कह दिया कि ये कोई पर्टिकुलर रुपीस, लेट सपोज अभी मैं सिर्फ डमी लिख रही हूँ, सही है? अभी मैं क्या लिख रही हूँ, एक डमी अमाउंट नहीं लिख दे रही, यहाँ आ रहा है मेरे पास, इसको आने दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर इसको चाहिए अच्छा, अगर मैं ये चाहती हूँ कि देखो मैं ये चाह रही हूँ कि देखो मेरे पास ये जो आ रहा है ना एक पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से, जैसे मैं सब टोटल लिख रही हूँ ना इधर, तो मैं यहाँ पे दो जो है वो क्या बना लेती हूँ, कॉलम बना लेती हूँ। सही है, एक में मेरे पास हेडिंग चली जाएगी और एक में मेरे पास डेटा चला जाएगा। तो रॉ के अंदर, एक रॉ के अंदर मैंने यहाँ पे लिया है कॉलम div डॉट कॉल डैश एम डी डैश थ्री तीन मल्टीप्लाई बाय, खैर थ्री ले लिया है मैंने, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू चाहिए मुझे, बिल्कुल सिर्फ दो चाहिए। एक में मैंने सब टोटल रखना है, सही है, और दूसरे में मैंने क्या रखना है, प्राइस रखना है। सही है, इस तरह मैंने इसको डिस्प्ले कराना है। ये भी बंद हो गया, ये बंद नहीं हुई। ठीक है, इस तरह आ रहा है सामने, सही है। सब टोटल अमाउंट ये है और पी के आर मेरे पास फिलहाल ये मौजूद है। इसी तरीके से मेरे पास भी एक रॉ तो ये, इसके नीचे अगर आप, मैं कॉपी कर रही हूँ और मैं इसके नीचे यही पेस्ट कर रही हूँ, अब देखते रहो आ रहा है ऐसे। अब मुझे इसके नीचे ये नहीं चाहिए कि भाई मैंने कहा मुझे अब सिर्फ एक कॉलम ही चाहिए, क्या चाहिए मुझे, एक कॉलम चाहिए और इसकी जो मेरे पास रखनी है, जैसे तीन तीन ये छः हो गया तो इस वाले को मैंने छः कर दिया और इसकी जगह पर मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, टैक्सेस एंड शिपिंग कैलकुलेटेड एट चेकआउट। ठीक है, तो यहाँ पर आए और यहाँ पे आपने देखा ये मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। हेडिंग में रखना है बेटा, हेडिंग में रख सकते हो, और अगर हेडिंग नहीं लिखनी है तो आप इसको सिंपल नॉर्मल टैक्स है तो आप इधर से ये हटा दो, टैग हटा दो। ठीक है, और इधर आके रिफ्रेश करो तो ये नॉर्मल लिखा हुआ आ जाए। इन दोनों की मैं, अगर आपको गैप बहुत ज़्यादा लगता है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी हेडिंग को यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको टू कर दो। ठीक है, ये खुद ही जो है वो इसकी तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव हो गया, सही है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास दो बटन मौजूद हैं, कितने बटन मौजूद हैं मेरे पास, दो बटन मौजूद हैं, एक है मेरे पास चेकआउट का और दूसरा मेरे पास क्या है, कंटिन्यू शॉपिंग का,
सही है, तो मेरे पास बटन्स मौजूद हैं, कोई मसला नहीं है, हम बटन लगाना चाहो बटन लगा सकते हो, एंकर का टैग लगाना चाहते हैं हम एंकर का टैग लगा देंगे, दो है तो मैंने दो यहाँ पे लिया है, इसके अंदर मैंने लगाया एक पे एंकर का टैग, क्या लगाया मैंने एंकर, ठीक है, एंकर में मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कहाँ जाना चाहिए, बिलिंग डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए मेरे पास, बिलिंग डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए, और इस पे मैंने यहाँ लिख दिया है क्या है, और इसी तरीके से यही वाली डिफ मैंने कॉपी करी है और इस वाले को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, और इधर मैंने इसको लिखा है मेरा इंडेक्स डॉट कंटिन्यू शॉपिंग है। अभी आप सिर्फ देखो, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास ये दोनों इस तरह लिखे वाले, इनका लुक क्या करना है, बटन जैसा करना है, तो इनका लुक अगर बटन मुझे करना है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, इक्वल्स टू ये बटन है। अब बात दरअसल ये है कि आपने इस पे जो कलर देना है तो वहां पे तो लिमिटेड कलर है, वहां पे क्या है लिमिटेड कलर है, इस पे मैंने कोई कलर नहीं दिया इस पे, ठीक है, अगर मैं स्टाइल पे जाके दूं कॉलन राइट, नाउ लेट्स सी, आ रहा है मेरे पास इस तरह, इस वाले को ग्रे करना है तो आप ग्रे कर सकते हो, ये आप अलग से स्टाइल दे सकते हो, ठीक है ना, इधर मैंने कॉपी करा है, इधर बटन पे आके इधर मैंने यहाँ ये लगाया है, इधर मैंने कह दिया कि बैकग्राउंड कलर का क्या हो जाएगा ग्रे। अच्छा बात दरअसल यहाँ पे ये है कि जो भी मेरे पास बटन है ना उनकी विड्थ में फर्क आ रहा है, एक छोटा एक बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी कि भाई इसकी जो विथ है दोनों की इक्वल कर दूंगी, क्या कर दूंगी मैं, ठीक है, मैंने कहा भाई इसी के अंदर रख लो, स्टाइल खुला हुआ है ना, विथ मैंने यहाँ पे कह दी कि भाई इसकी जो विथ है वो मेरे पास होनी चाहिए 50%। अच्छा किस चीज का 50% है, डिव है ना पर्टिकुलर उसका 50% है। अब दोनों की जाहिर सी बात है कि जो विड्थ है वो 50% इसलिए रख रही हूँ क्योंकि दोनों की डिफ मेरे पास क्या है सेम है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इनके बीच में गैप नहीं है, इनके बीच में गैप नहीं है, तो अगर गैप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास रॉ तो लगी हुई है ना, रॉ के बीच में मुझे गैप चाहिए तो हर रो पे मैं यहाँ पे दे सकती हूँ कि भाई मार्जिन टॉप से इसको वन कर दो, ठीक है, मतलब अगर बढ़ाना है तो बाद में बढ़ा लेना, मार्जिन टॉप से वन है, ये भी मार्जिन टॉप से वन है, ठीक है, सही है, थोड़ी थोड़ी आ गई आपके पास, अब टू रखो थ्री रखो तुम्हारी अपनी मर्जी है, थ्री थ्री रख ले रही हूँ मैं, ठीक है फिलहाल, सही है, ये सर आ गया, बात समझ में आ गई। अब रहा सवाल ये चीज उठाकर आपको इधर लेके आनी है, कहाँ लेके आना है, यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ उठा के लेके आना चाह रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास जो यहाँ पे जो चीजें मौजूद हैं कॉलम है या कुछ भी मौजूद है वो, ये तो 12 पे इस पे आता है, या तो आप इसको फ्लोट राइट करा दो, सही है, तो आप करा दोगे तो ये खुद ही आ जाएगी, अभी मैं इतनी डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रही, खुद उठा के कर लेना डिजाइन, ठीक है ना। बात फंक्शनैलिटी की होती है, मैंने कहा चेकआउट है, चेकआउट पे क्लिक करूंगी तो बिलिंग डॉट पी एच पी पे मूव कर जाऊंगी, और कंटिन्यू शॉपिंग पे तो मैं इंडेक्स पे वापस आ जाऊंगी, ठीक है ना, अभी आपकी अपनी मर्जी है। अब चेकआउट के ऊपर का मतलब है कि बिलिंग, ठीक है, जब मैं बिलिंग के पेज पे आऊंगी तो मेरे पास क्या होना लाजमी है, लॉग इन होना लाजमी है, ठीक है,
और दूसरी चीज ये है कि मेरे पास कार्ट के अंदर जो भी है प्रोडक्ट्स होना जरूरी है, ठीक है ना, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ये लॉजिक आपकी लगेगी, ठीक है। तो अब लॉगिन की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर ये मोडाइल करके अगर आपने रखना है तो मोडाइल करके भी इसको रख सकते हो। इस पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे कस्टमर का लॉगिन आपने लाजमी लगाना है, कस्टमर बिना साइन अप करे चेकआउट नहीं कर सकता, सही है ना। कार्ड में तो आइटम्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन चेकआउट करने के लिए आपको वो ये पेज रिडायरेक्ट कर देगा अगर आपके पास साइनिंग नहीं हुआ हुआ, ठीक है। वो कहाँ लेके जाएगा कि पहले आप लॉग इन करें। इतनी बात समझ में आ गई। कस्टमर लॉग इन बनाने के लिए मेरे पास कस्टमर का टेबल होना जरूरी है, समझ में आ रही है बात। मैं यहाँ पे आई, टेबल का नाम मेरे पास क्या है, कस्टमर, क्या है मेरे पास, ठीक है। कॉलम्स मैंने अभी यहाँ पे इसके 5 रखे हैं और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है क्रिएट। कस्टमर के लिए मेरे पास कस्टमर की आईडी चाहिए, कस्टमर का नेम चाहिए, उसका सेल नंबर चाहिए, उसका ईमेल चाहिए, सही है, और उसका मुझे क्या चाहिए, पास एड्रेस, बात की बात, ठीक है। वो बिलिंग में, बिलिंग का टेबल बनाएंगे तो वो किस पे भेजना चाह रहा है उस पे वो डाल देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। पासवर्ड, कस्टमर डिटेल्स की बात नहीं कर रही, मैंने कहा नाम, आईडी क्या है, नेम क्या है, सेल नंबर क्या है, ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है, सही है। अगर आप सेल नंबर या ईमेल ऑप्शनल रखना चाहते हो कि दोनों में से कोई एक दे दे, तो आप यहाँ पे आपकी मर्जी स्लैश लगा के सेल नंबर ईमेल कुछ भी कर लो, कोई एक रिसीव कर लो, सही है, मर्जी होती है, लेकिन मैं यहाँ दोनों रख रही हूँ। मैंने इंटीजर रखा, मैंने कहा ये प्राइमरी की है पहली बात तो, ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी, ठीक है, चेक लगा दी ऑटो इंक्रीमेंट पे। इसके बाद आप मूव करके आ जाओ यहाँ पे, अरे भाई यहाँ आ गए। नेम हमारे पास क्या है, वार्ड 4 है, लेंथ 50 है, सेल नंबर भी वार्ड 4 है, लेंथ 50 रखा है, ईमेल भी वार्ड 4 है, लेंथ 50 रखी है, पासवर्ड भी मैंने यहाँ रखा है वार्ड 4 और इसकी लेंथ क्या रखी है, 50 रखी है, ठीक है। क्या चीज मेरे पास और सेट होनी चाहिए, एक तो मसला ये नहीं है, नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, दो दो दफा भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों के जो सेल नंबर होने चाहिए और जो उनकी ईमेल होनी चाहिए ना, वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक ही बंदा जो है वो दो दो बार अकाउंट बना बना के आया हुआ है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी है, तो वो बाय ईमेल, बाय सेल नंबर और बाय आईडी वो यूनिक होगा, सही है ना। बात समझ में आ गई यहाँ तक। इस टेबल को मैंने यहाँ पे कर दिया सेफ, ठीक है, ये बात समझ में आई। ये टेबल किसी से लिंक नहीं है, ये टेबल किसी से लिंक नहीं है, रिलेशनशिप का कोई टेबल नहीं है, मैंने बस लॉग इन करना है, ठीक है ना। लॉग इन करने के लिए मैं पहले रजिस्टर करूंगी, रजिस्टर करने में मेरा नाम पूछेगा, सेल नंबर, ईमेल और पासवर्ड पूछ के रजिस्टर कर देगा मुझे, समझ रहे हैं। और इसी तरीके से आप रजिस्टर हो गए तो आप लॉग इन हो जाओगे, लॉग इन हो गए तो आपकी डिटेल्स आना शुरू हो जाएगी। अब आ जाए हम लॉग इन वाले पे, इस पे क्लिक करने पे आप login.php पे चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, login.php पे। अब ये मेरे पास कहाँ बना हुआ है, हेडर में बना हुआ है, हेडर में आप देख लो यहाँ पे मेरे पास ये वाला है, यही है ना, तो मैंने यहाँ HREF में यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं किस पेज पे हूँ, login.php पे, सही है। अब ये पेज मेरे पास नहीं बनाना, नहीं बना हुआ ना, मैंने ये पेज बनाना है, login.php का मैंने पेज बनाया, बन गया पेज, ठीक है। लॉगिन से ही आप साइन अप पे मूव करोगे, तो एक और मुझे चाहिए होगा, वो मुझे क्या चाहिए होगा, signup.php, साइन अप कह लो, रजिस्टर कह लो, जो लिखना है लिख लेना। सेव नहीं हुआ, आ गई मैं लॉगिन पे।
लॉग इन के पेज पे बेटा ना कोई हेडर होता है ना कोई फुटर होता है, ये मैं बता दूं। सही है, सिर्फ लॉग इन का काम होता है। मैं सिंपल फॉर्म बना रही हूँ, मैं डिजाइनिंग में नहीं जा रही, ठीक है? डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी से करते रहना, ठीक है? और इसी तरीके से आपके पास चीजें चलेंगी। पेज बन गया मेरे पास लॉग इन का, और किस चीज का बनाए, साइन अप का। लॉग इन के पेज पे आई, मैंने यहाँ पे लिखा बूटस्ट्रैप 4-, आपको ये चीज पता है ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, डॉलर वाला, ये टेम्पलेट का शुरू का तो ये आ जाता है मेरे पास, ठीक है? इसके ऊपर आप बूटस्ट्रैप आसानी से लगा सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर अभी सिंपल मैं काम कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर उसमें नहीं जा रही, डिव डॉट रॉ, डिव डॉट कॉल डैश md.6, ठीक है? फॉर्म चाहिए मुझे पोस्ट, ठीक है? b4-$, ठीक है? एक्शन मैंने यहां से इसका मिटा दिया। लॉगिन करने के लिए देखो, लॉगिन किससे करोगे आप, या तो सेल नंबर से या ईमेल से लॉगिन करते हो, तो मैं यहाँ ईमेल से लॉगिन करा रही हूँ, ठीक है? ईमेल और पासवर्ड यूनिक रखा है, हो जाएगी आपके पास। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा b4-form-input-text, हेल्प वाला यहाँ से हटा दिया, एंटर योर ईमेल आईडी, सही है? यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ईमेल आईडी टेक्स्ट, ठीक है? टाइप क्या हो जाएगी मेरे पास, ईमेल, सही है? कॉपी करा मैंने, पेस्ट करा, एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पासवर्ड तो टाइप है, पहले तो ये बताओ, बोल भी नहीं रहा है, सही है? पासवर्ड टेक्स्ट, इधर रिफ्रेश आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूंगी तो नजर नहीं आएगा, ठीक है? मार्जिन लेफ्ट मैंने दे दिए इसमें, ताकि ये थोड़ा लेफ्ट से मूव कर जाए, और थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ मार्जिन टॉप से भी 5 कर दिए, ताकि लेफ्ट राइट से थोड़ा फॉर्म मूव कर जाए, एकदम ही ऊपर चिपका हुआ जीतना ना लगे। लॉग इन लिख देना, वैसे हेडिंग मैंने डाली नहीं है। इसके नीचे मेरे पास बटन होगा, ठीक है? किस चीज का बटन है मेरे पास, लॉग इन का बटन है, ठीक है? तो मैंने यहां पर लिखा b4-form सबमिट आ रहा है, ठीक है? तो मेरे पास सबमिट का बटन है, ये जो प्राइमरी है उसको लिखे रहने देना, सबमिट की जगह मैं लिख दूंगी लॉग इन, और इधर मैंने यहां पे दे देना इसका नाम बटन का, वो क्या है, btn login, सही है? यहाँ इस तरह आ गया। अब इधर लेफ्ट पे लेके जाओ, राइट पे लेके जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी। इसके नीचे मैं बटन के ही नीचे, जैसे ये मैंने बटन लिखा है ना, सेम कॉपी करा मैंने इसको नीचे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ, एक तो ये टाइप सबमिट नहीं है, ये मेरे पास क्या है, एंकर है, क्या है, एंकर है, लगेगा बटन ही, लेकिन है मेरे पास क्या, एंकर, और ना इसका कोई नाम है, ठीक है? इस पे सिर्फ क्लास लगी है, आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये कहा कि मेरे पास ये लगा हुआ तो है, ठीक है? और इस तरीके से जो टाइप सबमिट भी अगर लगानी है लगा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? अगर मैं यहाँ लगा भी देती हूँ, कुछ आएगा थोड़ी यहाँ पे, सही है? तो इसको लगाने से कुछ होगा नहीं,
तो मैंने यहाँ पे इसको ये लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा है इफ यू रजिस्टर हियर इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट, ठीक है। अब ये बटन बुरा लग रहा है ना बुरा, तो मैं यहाँ पे अब इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने इसकी अब यहाँ पे क्लास क्या कर दी है, हटा दी है कि भाई ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक लिंक है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब जो ये मेरे पास लिंक है, जो मेरे पास ये एंकर का लगा हुआ है, ये एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, लाइन ब्रेक मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि न्यू लाइन के अंदर ये मेरे पास डिस्प्ले करे नीचे की तरफ, ठीक है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करूंगी मैं, क्लिकिंग मुझे लगानी है, क्लिकिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, एच आर ई एफ विच इज इक्वल टू, मुझे कहाँ जाना है, साइन अप डॉट पी एच पी पे। सही है, बात समझ गया। साइन अप वाले पेज पे क्या काम करना है जरा इसको गौर से देख लो। ये जो टाइटल है ना बेटा, इसको चेंज कर लेना, और टाइटल को चेंज करके यहाँ पे क्या लिख लोगे, जो भी तुम्हारा वहां पे ये था इंडेक्स वाला, ये देखो हेडर में जाओगे, हेडर में ये उठा रहे हैं आउटफिटर ई कॉमर्स, ये लिखा हुआ आ रहा है। लॉग इन वाले में भी जाओगे आउटफिटर ई कॉमर्स, ठीक है, यही लगा के छोड़ दो वैसे, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। रिफ्रेश आउटफिटर ई कॉमर्स का है, सही है ना, वो इसी का है तो यही रहने दो। लॉग इन का हेडिंग यहाँ डालनी है तुमने, ऊपर डालनी है, सही है। मैंने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करा मैंने, लॉग इन वाला पूरा कोड एज इट इज एज मैंने यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, सही है। कहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब इसमें मुझे चेंजेस क्या करनी है, यूजर से मैंने क्या क्या चीजें लेनी है, ठीक है ना। ये साइन अप का काम है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल वाला कॉपी करा, इसको मैंने यहाँ पे करा टेक्स्ट एक्सट्री टेक्स्ट, एंटर योर फुल नेम, सही है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और क्या था हमारे पास, एक मिनट, सेल नंबर भी था हमारे पास, ईमेल आईडी, अभी नाम मैं सबके सेट करती हूँ, सेल नंबर। यहाँ पे मैंने सेल नंबर करा, नेम, ईमेल, सेल नंबर, पासवर्ड। अच्छा पासवर्ड, जैसी बात है जब आप साइन अप कर रहे होते हो तो कंफर्म पासवर्ड भी आता है, क्या आता है, कंफर्म पासवर्ड, एंटर। मैं यहाँ पे एंटर हटा रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या कर रही हूँ, इस तरह का लिख देती हूँ, फुल नेम, ईमेल आईडी, सेल नंबर, पासवर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा कंफर्म पासवर्ड। अच्छा अब जरा इनके नाम सही कर लेते हैं जो हमने कॉपी पेस्ट करे हैं ना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे हो गया फुल नेम टेक्स्ट, ईमेल आईडी टेक्स्ट, सही है, या ईमेल टेक्स्ट कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। सेल नंबर है तो मैंने यहाँ लिख दिया सेल नंबर टेक्स्ट, पासवर्ड टेक्स्ट, और ये मेरे पास हो गया कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट, ठीक है। लॉग इन की जगह क्या हो जाएगा, रजिस्टर, साइन अप, जो भी आपको यहाँ लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। BTN चेंज होगी, क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि रजिस्टर हेयर, अब यहाँ पे क्या होता है, क्या लिखा होता है, अरे भाई बैक टू लॉग इन, सही है, और यहाँ पे हम चले जाते हैं लॉग इन पे,
है। और यहाँ रिफ्रेश मैंने खैर इसको करा, उधर भी मैं इधर आई, ये मेरे पास आ रही है, बैक टू लॉग इन हियर। वालेकुम सलाम, कस्टमर लॉग इन और कस्टमर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा है, दोनों लगा दिए, कस्टमर लॉग इन और ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये बैक टू लॉग इन ये रहा हमारे पास। बात समझ में आ गई? हेडिंग लगाया है मैंने, ठीक है, ये इधर फॉर्म से ऊपर यहाँ पे कस्टमर लॉग इन और मेरे पास कस्टमर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये मैंने हेडिंग लगा दी है, सही है। मेरे पास यहाँ पे हो गया फुल नेम, ईमेल आईडी, सेल नंबर, पासवर्ड, और मेरे पास यहाँ पे, अच्छा जो सेल नंबर है इसकी टाइप जरा नंबर कर देना ताकि इसमें किसी भी किस्म, ठीक है। ये सब पासवर्ड पासवर्ड है, ये मेरे पास सेल नंबर है, इधर मैंने नंबर कर दिया है ताकि नंबर है, जो मैंने आपको वैलिडेशन बताई थी, अगर आप टेक्स्ट के ऊपर वो वैलिडेशन लगा दोगे ना, वो वाली कि सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन से वैलिडेशन अप्लाई हो, तो आप सिर्फ नंबर ही एंटर होगा, नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके आगे अगर आप नहीं वो वैलिडेशन पे जाना चाहते तो बेटा आप यहाँ पे रिक्वायर्ड जरूर लगा देना, ठीक है, कि ये लाजमी मुझे फिल करना है, यानी विदाउट और ये रहा रिक्वायर्ड। क्या लगी होती कंट्रीज के लिहाज से? सेल नंबर, हाँ वो लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं आते, ठीक है, कंट्रीज के हिसाब से वो एक बॉक्स बना, वो लिखा होता है, प्लस वो जो भी है, जब आप एड्रेस सिलेक्ट करते हैं तो वो उसका कोड आता है, ठीक है, तो वो चेक करना पड़ता है, वो भी पीछे आपके पास होती है, एपीआई से चेक कर लो, किसी से भी कर लो। रिक्वायर्ड मैंने यहाँ लगा दिया है, मैंने कहा जब तक ये फॉर्म पूरा फिल नहीं होगा आप साइन अप नहीं कर सकते, यानी मैं अगर रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है, जब मैं साइन अप पे क्लिक करूंगी तो कहेगा ये पहले फिल करें आप, सही है। आप पहले साइन अप करेंगे फिर लॉग इन करेंगे, अब इसे गौर से देखो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बेटा कोड हुआ हुआ है बीटीएन साइन अप का, मैंने इसे कॉपी करा कि नाम मेरे पास ये है, टॉप पर आ जाओ, यही पीएचपी लगा लेते, पीएचपी। अब मैंने चेक क्या करना है, इफ मेरे पास कौन सा बटन क्लिक होना चाहिए साइन अप का, इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और बटन का नाम क्या है साइन अप, सही है। क्या क्या चीजें मुझे पिक करनी है, डॉलर, फुल नेम, ठीक है, अंडरस्कोर पोस्ट, फुल नेम हो गया, डॉलर, और क्या था, ईमेल, डॉलर, सेल नंबर, डॉलर पासवर्ड और डॉलर सी पासवर्ड, यानी कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे पिक करनी है। अब ये मैं पिक कहाँ से करूंगी, इधर से पिक करूंगी, जो भी इनके नेम है वो मैं इसके अंदर पेस्ट कर रही हूँ बारी बारी, सेल नंबर टेक्स्ट, पासवर्ड टेक्स्ट, कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट, ठीक है। बटन साइन अप हमने ये लिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास इफ की कंडीशन आएगी जिसमें मैंने चेक करना है कि मेरे पास इनसेट का कोड चलेगा, लेकिन उस वक्त चलेगा जब मेरे पास पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करते होंगे, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे कॉपी करा और मैंने यहाँ पे ये कहा कि भाई डॉलर कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट, ये वाला नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। मेरे पास इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, पासवर्ड के,
अगर ये इक्वल है तो मेरा ये कोड चलेगा, अदरवाइज एल्स में मेरे पास क्या आ जाएगा, अलर्ट देना चाहूँ या नीचे कोई मैसेज देना चाहूँ, मैसेज कहाँ दे सकती हूँ मैं, जहाँ ये लिखा है ना बैक टू लॉगिन, ठीक है ना, इधर ही नीचे, ब्रेक लगा के यहाँ पे मैं एक ब्रेक ना भी लगाओ, पैराग्राफ भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं, और यहाँ आप दे सकते हो अपना कोड PHP इस तरह करके, और इधर मैंने रखा है एरर मैसेज, ठीक है, ये क्या कराना है मुझे, एरर मैसेज इको कराना है, ठीक है, कॉपी करा मैंने, ये बना हुआ नहीं है, यहाँ बना दूंगी मैं, डॉलर एरर मैसेज इज इक्वल टू एम्प्टी है, बाय डिफॉल्ट क्या है, एम्प्टी है, अगर वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है तो मेरे लेआउट पे कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा हुआ आएगा, अगर मैं इसको यहाँ कुछ लिख दूँ तो तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इधर देखो आ रहा ही नीचे लिखा हुआ, समझ में आई बात, तो मैंने यहाँ पे लगा तो दिया है इसको, और इधर मैं कह सकती हूँ इसको कि भाई इसका जो स्टाइल है, क्योंकि एरर है तो मेरे पास कलर क्या होना चाहिए, इसका रेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ये तो खैर मैंने ऊपर ऐसे ही लिख दिया है, इसलिए अब यहाँ नहीं लिखना, ये कुछ भी यहाँ एम्प्टी रखना, यहाँ मैंने कह दिया एल्स, जो ये मेरा वेरिएबल है इसको यहाँ मैंने लिखा, सिर्फ सेट करना है पासवर्ड नॉट मैच, सही है, ये यहाँ रखा, लो रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ मैं, अभी तो हम फिल कर देते हैं, ठीक है, ये सबमिट तो नहीं होगा लेकिन पासवर्ड में मैंने यहाँ लिखा है 1234 और यहाँ लिखा है 1234 5 6, ठीक है, साइन अप क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड नॉट मैच, सही है, आया लिखा हुआ, अब मैं अगर इसे दोबारा फिल कर रही हूँ, सही है, 1 2 3 1 2 3 और क्लिक किया तो मेरे पास लॉगिन का काम होगा, लेकिन लिखा हुआ कोई एरर नहीं आ रहा, सही है, इस तरह। अब बात है मेरे पास काम किसका करना है, मुझे क्या करना है, इंसर्ट का कोड करना है, किसका कोड करना है, इंसर्ट का कोड, इंसर्ट का कोड हमने कहां करा था, याद है कहां करा था, एडमिन पैनल में करा है, किस में, एड स्लाइडर में, आ गए हम यहां पे, इंक्लूड मैंने ये चीजें करानी है, सेम कॉपी करी मैंने, ठीक है, साइन अप पे आए, यहाँ आने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, मुझे डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एडमिन पैनल के अंदर नहीं है, मेरे पास ये फाइल रूट पे मौजूद है, ठीक है, कनेक्शन लगा दिया, हो गया मेरे पास, एड स्लाइडर पे आ जाओ, मेरे पास क्यूरी थी ये, और इंसर्ट के अंदर हमने ये क्यूरी डाली थी, यही डाली है ना हमने क्यूरी, ठीक है, इसको करा मैंने कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने इसके नीचे ले जाके पेस्ट कर दिया, यहाँ मुझे ये मैसेज करने की जरूरत नहीं है, क्यूरी है, इंसर्ट इनटू स्लाइडर नहीं है, मेरे पास क्या है, कस्टमर है, वैल्यूज में आ जाओ, पहली वैल्यू मेरी जीरो जाएगी, ठीक है, अब आ जाए आपके पास वैल्यूज है क्या क्या, वैल्यूज हमारे पास कितने कॉलम्स हमारे पास मौजूद है कस्टमर के अंदर आप देख सकते हैं, हमारे पास है नेम, सेल नंबर, ईमेल और पासवर्ड, ये डाल दिया, ठीक है, आईडी मुझे नहीं डालनी, चार वैल्यू डालनी है, नेम, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, चार चीजें मेरे पास, पहले आएगा नेम, फिर सेल नंबर, फिर ईमेल आएगा, तो मैंने यहां पे लिखा डॉलर मेरा फुल नेम, डॉलर सेल नंबर, डॉलर ईमेल और डॉलर पासवर्ड, सही है, और ये मैंने कॉल करा, सही है, इसके बाद आपकी अपनी मर्जी कि मैं इसको नेविगेट करा के कहाँ ले जाऊं लॉगिन पे, क्योंकि साइन अप रजिस्टर तो हो गया ना, तो मैं यहाँ लगा सकती हूँ हेडर,
याद है ना, हमने लगाया हुआ है कहीं कहीं पे, हमने इसको क्या करा हुआ है, इसको हमने लगाया हुआ है, ये लगाया ना लोकेशन, ये इस तरह सेम यही चीज मैंने यहाँ पर लगाया, और मैंने कहा मुझे अब कहाँ जाना है, लॉग इन डॉट पी एच पी पे जाना है, समझ गए। नाउ लेट्स सी कि मेरे पास ये इंसर्ट होता है या नहीं। ठीक है, ईमेल आईडी सेल नंबर 0312, ठीक है, वार चाह रहे तो डैश डाल सकते हो, सही है, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लगाई थी मैंने, नहीं डालना मत लिखना, सही है। पासवर्ड 1234, 1234, साइन अप, आ गई मैं यहाँ पे। यहाँ पे आने का मतलब है मेरे पास कि मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड आ गया होगा, आ गया, ठीक है, बात समझ गए, ये रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है, जो मैंने आईडी दी थी वो आईडी और पासवर्ड के साथ मैंने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या होगा, आप डिटेल्स को फेच करोगे, क्या करोगे, डिटेल्स को फेच करोगे, ठीक है, डिटेल को क्या करना है, आपने फेच करना। साइन अप में तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो नहीं समझ में आई, एडमिन पैनल का जो भी साइन लॉगिन और साइन अप बनाओगे वो भी ऐसे ही बनेगा, एडमिन का वो नहीं बनता, वैसे रजिस्टर नहीं होता, उसका सिर्फ लॉगिन बनता है, बैक पे टेबल बनेगा, हार्ड कोडेड वही इंसर्ट कर देना, सिर्फ लॉगिन का पेज बनेगा, समझ रहे हो, साइन अप नहीं बनाना एडमिन पैनल का, ठीक है। एडमिन पैनल का साइन अप उस वक्त बनता है जो मेन एडमिन होता है वो साइन अप करता है, वो उसी के अंदर होता है, ठीक है, क्रिएट अकाउंट करके औरों को देता है, सही है, मेन पे नहीं मौजूद होता कि रजिस्टर फॉर्म है तो हर कोई एडमिन बन जाएगा, समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमने इसका साइन अप कर दिया, अब बारी है लॉगिन की। जिस तरह मैंने ये साइन अप का कोड किया है, ये इस तरह, ये वाला कोड, ठीक है, ये रहा, एरर मैसेज उठा लेना इसका भी, ये पीएचपी का मैं पहले पूरा ही कोड उठा रही हूँ, फिर मैं बता रही हूँ इसमें एडिट क्या करना है। इधर आई टॉप पर, पेस्ट करा, मेरे पास क्या है अब, ये बीटीएन लॉगिन, क्या है मेरे पास, लॉगिन, इतनी तो मुझे चीजें चाहिए ही नहीं, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड। इधर क्या लिखा हुआ है, ईमेल आईडी टेक्स्ट लगा दिया, इधर ईमेल आईडी टेक्स्ट, पासवर्ड टेक्स्ट, पासवर्ड टेक्स्ट, ठीक है, इसकी कोई कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है, कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन ये भी बनेगा, क्यूरी यहाँ सेलेक्ट की लगेगी, और कोड भी यहाँ पे डेटा सिलेक्ट होके आएगा, और हमें कहाँ मूव करके जाना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमें मूव कहाँ करके जाना है, ठीक है। एल्स में मेरे पास क्या आएगा, लॉगिन, लॉगिन फेल्ड, ठीक है, एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉगिन फेल्ड, ये हो गया मेरे पास लॉगिन फेल। अच्छा, अब ये लॉगिन फेल डायरेक्टली नहीं होगा कि मैं यहां पे लगाऊं और मेरे पास लॉगिन फेल चल जाए, ये इस वाले का नहीं है अभी, ठीक है, कट करके इसके अंदर रखूंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई इफ का ब्लॉक लगाना है जिसमें मेरे पास डाटा फेच हो रहा होगा और ये उसका एल्स बनेगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्योंकि वो भी अंदर वाले इफ का एल्स था। अब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, ये लोकेशन मेरे पास क्या है, ये यहाँ नहीं आएगी, ये जो भी है कोड वो नीचे जाएगा, सही है, इधर आ जाओ। अब मैंने इंसर्ट तो नहीं कराना, मैंने क्या कराना है, फेच कराना है। फेच कराने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सिलेक्ट लगाना है ना, मुझे सिलेक्ट बताना है कोई कॉलम का नाम तो है या नहीं, ठीक है, वो मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि मैं किस टेबल के कौन से कॉलम की और कौन सी वैल्यू पास कर रही हूँ, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड उठाना है मुझे, पर्टिकुलर उठाना है, समझ में आ रही है बात। तो मैंने कहा मुझे सिलेक्ट करवाना है, तो मैं आई लॉगिन में, मैंने कहा इंसर्ट तो मैं करानी नहीं, ये मैंने कर दिया, ये क्यूरी भी आपने पास नहीं करनी है,
अब मैंने यहाँ पे क्या चीजें देनी है? सबसे पहले टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। ठीक है, कॉलम का नेम क्या है जो मैं फैच करवाऊंगी? ईमेल। क्या है? ईमेल। दूसरी चीज मेरे पास जो मुझे पास करनी है वो वैल्यू क्या है? डॉलर ईमेल। सही है, ये मैंने बता दिया। अब फैच होकर ये किसके अंदर आ रहा है? लॉगिन डेटा में, ये वेरिएबल है मेरे पास। अब मैंने इधर चेक किया, अगर नंबर ऑफ रॉस ग्रेटर देन जीरो है, सही है, तो मेरे मेरे पास क्या होना चाहिए? ये चलना चाहिए। क्या हो गया इसको? सही है, अगर मेरे पास रॉ आई नहीं है तो क्या कह देगा? लॉग इन फेल्ड। ठीक है, या यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, यूजर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, हेडर यहाँ लगा दिया। सही है, अभी मैंने ये लिखा है। सही है, अब यहाँ फेच करके मैच करने पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब इधर देखो जरा, यहाँ आए, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और मैंने लिखा @gmail.com और यहाँ मैंने इसका पासवर्ड लिख दिया। सही है, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के ऊपर मेरे पास कहीं एरर मैसेज कहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा ना। सही है, अच्छा जो मेरा एरर मैसेज है, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट कराना है। जैसे मैंने यहाँ साइन अप पे प्रिंट कराया था, ये देखो, ये रहा ब्रेक और ये कॉपी करा मैंने। कॉपी करने के बाद मैं इधर आ जाती हूँ लॉगिन वाले पे, और लॉगिन वाले पे ये जो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, यहाँ मैंने पेस्ट करके इसको सेव करा। नाउ इधर खोलने के बाद मैं अब इसे रिफ्रेश करके कंटिन्यू, यूजर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, बात समझ गए? अब मैं अगर सही वाले से हो रही हूँ, यानी जो मेरे पर्टिकुलर आईडी है, किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, बात समझ गए? किसी किस्म का मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे पास ये डाटा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब मैच कराने के लिए देखो, मैंने आपसे कहा था आप एक डॉलर रॉ लोगे, क्योंकि सिंगल वैल्यू मल्टीपल तो है नहीं, तो डॉलर रॉ है मेरे पास। कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ क्या लगाऊंगी? फेच इसके अंदर फिर इफ और एल्स बनता है। क्या बनेगा? इफ। और इसी के इफ के अंदर ही नेस्टेड इफ चल रहा है। समझ में आ रही है बात? इधर इफ में मैंने कहा भाई डॉलर रॉ कॉलम फाइंड करना है, ईमेल इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? डॉलर ईमेल के, एंड डॉलर रॉ कॉलम हमारे पास है यहाँ पे पासवर्ड। ये आ रहा है नजर, पासवर्ड लिखा हुआ। ठीक है, जो कॉलम का नाम है यहाँ पास किया मैंने, ये पासवर्ड बराबर किसके होना चाहिए? डॉलर पासवर्ड के जो ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। सही है, अगर ये इसके इक्वल है तो लॉगिन हो चुके हैं आप। ठीक है, लॉगिन क्या कर चुके हैं आप? सही है, लॉगिन करने के बाद आप कहीं मूव करके ही जाओगे ना, कहाँ जाओगे? इंडेक्स पे चले जाओ,
एल मेरे पास एरर मैसेज आएगा, क्या चीज? अगर यहां तक आए हो तो इसका मतलब है कि डेटा फेच हुआ है, लेकिन पासवर्ड क्या है? गलत है, रॉन्ग पास, सेव। मैं भी पासवर्ड गलत लिख रही हूँ, रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। 1 2 3 4 लॉग इन आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे तो हम आ गए, लेकिन हम लॉग इन हैं या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ लिखा हुआ तो आना चाहिए ना, नाम लिखा हुआ आना चाहिए मेरा, सही है? और इस पे क्लिक करने पे लॉगिन नहीं आना चाहिए, बल्कि मेरे पास इसके ऊपर लॉग आउट का बटन आना चाहिए। अब ये नहीं आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए? लॉग आउट आना चाहिए।